राजस्थान में आगामी दिनों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों में तीन चेहरे बेहद अहम रहने वाले हैं, जो मुख्य दलों के बूते नहीं बल्कि खुद के बलबूते चुनावी के समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। ये तीन चेहरे हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत, नागौर से सांसद व आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें डूंगरपुर जिले की 84, टोंक की देवली उनियारा, नागौर की खिवसर, दौसा और झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इन सभी सीटों के विधायक अब संसद सदस्य की शपथ ले चुके हैं। तो वहीं सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीना और रामगढ़ विधायक जुबैर खान का निधन होने से इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में इस बार तीन चेहरे सबसे अहम है। ये वो तीन सियासी चेहरे हैं जो 4 सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इन चेहरों पर नजर डालें तो सबसे पहले बात राजकुमार रोत की, जो सीधे तौर पर सलूम्बर और 84 को प्रभावित करेंगे। क्षेत्र के युवा विधायक रह चुके राजकुमार रोत को लोकसभा चुनावों में रोकने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से तोड़कर महेंद्रजीत मालवीय को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी का प्रयोग असफल रहा। बीएपी सांसद राजकुमार रोत 84 से 2 बार विधायक रह चुके, अब डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा सांसद। बीटीपी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी को बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बना दिया। 84 के साथ अब सलूम्बर सीट पर भी बीएपी उम्मीदवार उतारेंगे। सलूम्बर में बीएपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 25% वोट लिए थे। बीएपी के जितेश कुमार मीना ने 51,691 वोट हासिल किए थे, यानी 84 और सलूम्बर दोनों जगह बीएपी और राजकुमार रोत बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती बनेंगे। तो वहीं नागौर सांसद और खिवसर से विधायक रह चुके हनुमान बेनीवाल की बात करें तो 2008 से खिवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल और उनके परिवार का प्रभाव है। बीजेपी के टिकट पर हनुमान बेनीवाल ने 2008 में चुनाव जीता था, उसके बाद निर्दलीय जीते और फिर आरएलपी से जीत दर्ज की। उसके बाद अपने भाई नारायण बेनीवाल को विधायक बनाकर खुद सांसद बन गए। इस बार इंडिया अलायंस के सहारे हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा को हराकर फिर से नागौर के सांसद बन गए हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल परिसीमन के बाद खिवसर सीट अस्तित्व में आई, तभी से बेनीवाल परिवार को चुनावी विजय मिल रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने टक्कर दी, मगर अभी विजय से दूर। बीजेपी प्रत्याशी रेवंतराम डांगा ने 2023 के चुनाव में बेनीवाल को कड़ी चुनौती जरूर दी, मगर नजदीकी मुकाबले में डांगा मात्र 2000 वोटों से चुनाव हार गए। बीजेपी फिर खेल सकती है रेवंत राम डांगा पर चुनावी दाव। हनुमान बेनीवाल ने नागौर से दूसरी बार सांसद बनकर ताकत दिखा दी। कड़े मुकाबले में ज्योति मिर्धा को करीब 42,000 वोटों से चुनाव हराया। इस बार वो अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी समर में उतार सकते हैं। ऐसे में बीजेपी संभवतः ज्योति मिर्धा पर दाव खेल सकती है। हनुमान बेनीवाल अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। कांग्रेस और आरएलपी के बीच अलायंस को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। उधर उदयपुर वाटी से चुनाव हारने के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की नजर अब झुंझुनू विधानसभा सीट पर है। इसके पीछे का कारण झुंझुनू में 23% मुस्लिम वोटर्स हैं और इसी आंकड़े के मद्देनजर राजेंद्र सिंह गुढ़ा शिंदे की शिवसेना पार्टी को छोड़कर ओवैसी का दामन थाम सकते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से उनकी पुरानी दोस्ती है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने साल 2008 और 2018 में 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार गुढ़ा जीत के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद गहलोत सरकार ने उन्हें स्वतंत्र प्रभार देते हुए राज्य मंत्री बनाया, लेकिन अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे या कहें लाल डायरी पर घेरने के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। गुढ़ा पाला बदलने में माहिर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा शेखावाटी के मजबूत राजपूत क्षत्रप है। लाल डायरी प्रकरण में उन्होंने राज्य में बीजेपी का सत्ता मार्ग का रास्ता तैयार किया। हालांकि खुद उदयपुर वाटी से चुनाव हार गए और बीजेपी भी उनके कारण हार गए। गुढ़ा अब झुंझुनू से ओला परिवार की बादशाहत को चुनौती देना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा अपने भाई रणवीर सिंह को आरयू छात्र संघ का अध्यक्ष बनवाकर चर्चा में आए। दो बार गहलोत सरकार बनाने में
राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बड़ी मदद की। बीएसपी के जीते विधायकों को कांग्रेस भी गुढ़ा ही लेकर आए थे। सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए इन तीनों चेहरों से निजात पाना आसान काम नहीं है। मुकम्मल रणनीति के सहारे ही मुख्य दल इन चेहरों से मुकाबला लड़ पाएंगे। जातीय और क्षेत्रीय राजनीति के सहारे तीनों चेहरों ने मुख्य दलों को परेशानी में डाला है और दो लोकसभा सीटें तो आखिर इन्होंने हथिया ही ली। सात विधानसभा उपचुनावों में राजस्थान में तीन ऐसे सियासी चेहरे हैं जो इन उपचुनावों के अंदर मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में विरोधी दल की रणनीति को समझने के साथ ही मुख्य दलों की ये कोशिश भी है कि इन तीन सियासी छत्रपों के गणित को भी समझा जाए, तभी 84 सलमपुर, झुंझुनू और खींवसर की सीटों पर फतह पाई जा सकती है। टास्क इतना आसान नहीं है क्योंकि इन सियासी छत्रपों ने पिछले कुछ सालों में अपनी जमीन को गहरा किया और राजनीतिक तौर पर इन इलाकों को अपना गढ़ बनाया है। ये ज़रूर है कि झुंझुनू की सीट ओला परिवार की बादशाहत के कारण जानी जाती है, जो कांग्रेस की एक मजबूत सीट कही जाती है, लेकिन खींवसर और सलमपुर 84 ये वो सीटें हैं जहां पर मुख्य दलों को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। कैमरा जर्नलिस्ट संजय और सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।